रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग के हालात बनाए थे, ऐसे में भारत के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे मेडिकल के छात्रों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि उनकी पढ़ाई अधूरी है और उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ा है। ऐसे में इन छात्रों के अभिभावक काफ़ी परेशान हैं, जिसके चलते मेडिकल में अभ्यास बाकी छोड़कर आए इन छात्रों के परेशान अभिभावक आज मनुभाई टावर स्थित भाजपा कार्यालय पर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनकी ओर से शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह को आवेदन पत्र देते हुए इन बच्चों की बाकी की पढ़ाई पूरी करवाने की और साथ ही उन्हें प्रैक्टिस दिलवाने की मांग साझा की गई। हालांकि इस मामले में शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह की ओर से उन्हें आश्वासन तो दिलाया गया है कि इन अभिभावकों की बात को आगे पहुंचाया जाएगा, लेकिन फिर भी इन छात्रों को आगे पढ़ाई के लिए इम्तिहान में पास होना आवश्यक है, लेकिन काफ़ी कम छात्र देश में लिए गए इम्तिहान में पास हुए हैं। ऐसे में इन छात्रों के लिए आगे दिक्कत भरी स्थिति बना सकती है, लेकिन फिर भी शहर भाजपा प्रमुख ने अभिभावकों को जल्द से जल्द इस समस्या का कोई हल निकालने का आश्वासन दिलवाया है। भारत ने बार खास करीने यूक्रेन में अभ्यास करता मेडिकल कॉलेज ना विद्यार्थियों ने तेमना वालीओ आज अहीं आव्या छे। एमने भी मांगणी छे कि एमना जे विद्यार्थियों एक थी छ वर्ष में ज्यां ज्यां भणे छे ए प्रकारे एमने मेडिकल कॉलेज में अहीं एडमिशन आपवामां आवे। एमनी जे मांगणी छे आवेदन पत्र तरीके एमने आप्युं छे, ए आवेदन पत्र अमे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अमारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने मोकलावीशुं अने जे कंई पण एमना तरफथी निर्णय आवशे निर्णय एमने जाण करवामां आवशे। एमना मांगणीना संदर्भमां हकारात्मक निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लेवाय ए प्रकारनी अमे चौक्स लागणी व्यक्त करी छे। अमने विश्वास छे कि मोदी सरकार आमा विद्यार्थियों ने वालीओ ने फायदो थाय ए प्रकार नो निर्णय लेशे। एमनी रजूआत अत्यारनी जे बदलायेली परिस्थितिना संदर्भ में बराबर छे, पण ए लोकोनी जे मांगणी छे कि दरेके दरेक विद्यार्थियों ने गुजरातनी के भारतनी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आपवामां आवे ए मारा हिसाबे शक्य नथी, तेम छतां भी केन्द्र सरकार छे तेमां निर्णय लेशे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।